हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 इकोसिस्टम बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 का कंप्लीट किया था। आई होप आप सभी ने वो सारे पार्ट्स अच्छे से देखे हैं। आपको इकोसिस्टम चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया, इकोसिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो सभी हमने बहुत पढ़ा था अच्छे से एकदम। आई होप आपने सारे वीडियोस लाइक कर दिए हैं, शेयर भी कर दिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, उस चैप्टर की एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें हम आपको, सेवंथ क्लास के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। इनके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं। फिजिक्स के थोड़े से रिमेनिंग है अभी नोट्स, वो भी वन बाय वन हम कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। नोट्स भी आप देख सकते हैं, शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। और इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ साथ हमने हिस्ट्री, सिविक्स ये भी कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हमारी कंप्यूटर क्लास सेवंथ की चल रही है, वो भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी और कंप्लीट करवाएंगे हम। तो चलिए आज आगे का हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें करना है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट। इनमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती है नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, लाइट, एयर, है ना, विंड, ये सभी आते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। तो आपको पूछ रहा है एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो सॉइल, लाइट, प्लांट, एयर। तो प्लांट आपका इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स डस फ्ली कम अंडर? फ्ली जो होती है वो किस हेडिंग में आती है? पैरासाइट है, वो प्रे है, प्रीडेटर है या होस्ट है? तो फ्ली जो है वो पैरासाइट है। फ्ली क्या होता है? एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो एनिमल्स की बॉडी में रहता है, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन? इनमें से कौन सी फूड चेन है, ठीक है? ग्रास, वीट, मैंगो। ग्रास गॉट ह्यूमन, गॉट काउ, एलिफेंट, ग्रास, फिश, गॉट। तो फूड चेन आपको पता है हमेशा ग्रास से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी ग्रास है, यहाँ पर भी ग्रास है, यहाँ पर गॉट है ना, और यहाँ पर ग्रास है। तो ग्रास से यानी कि जो ग्रीन ग्रास होती है, प्रोड्यूसर्स हो गए, तो उनसे स्टार्ट होती है हमेशा फूड चेन। तो सी ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद फूड चेन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ग्रास को कौन कंज्यूम करेगा? गॉट करेगी। गॉट को कौन कंज्यूम करेगा? ह्यूमन करेगा। तो ये आपकी एक फूड चेन हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज ऑटोट्रॉफ? कौन सा इनमें से एक ऑटोट्रॉफ है? ऑटोट्रॉफ और किस चीज को कहते हैं, जो खाना खुद बनाते हैं? तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, सेप्रोट्रॉफ। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को आप ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, बिकॉज वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर? हर्बीवोर का कौन सा एक एग्जाम्पल है? हर्बीवोर यानी कि ग्रीन ग्रास खाने वाला, तो टाइगर, आउल, ग्रास हॉपर, नन ऑफ दीज। तो ग्रास हॉपर इसका करेक्ट आंसर है। इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय? फूड चेन में थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन आते हैं? कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स। तो कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है। पहले में प्रोड्यूसर्स आते हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स आते हैं, फिर कार्निवोर्स आते हैं और देन डिकम्पोजर्स आते हैं। तो थर्ड लेवल में कौन सा हो गया? कार्निवोर्स हो गया। तो ये हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है आपका? सबसे पहला है द साइंस दैट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग थिंग्स विद वन अनदर एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। वो साइंस जो डील करती है लिविंग थिंग्स का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ और उनके एनवायरनमेंट के साथ, तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड डैश एज देयर फूड रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय फीडिंग ऑन अदर प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म। सभी एनिमल्स जो उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं गाइस? हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड अ डैश। फूड चेन का जो नेटवर्क होता है उसे हम फूड वेब बोलते हैं। टाइगर एंड लॉयन आर डैश कंज्यूमर्स। टाइगर एंड लॉयन कौन सी डिग्री के कंज्यूमर्स है? टर्शियरी कंज्यूमर्स है, ठीक है। इन नेचर All green plants are dash, whereas animals are consumers. Nature में सभी जितने भी आपके green plants हैं वो सभी आपके क्या हैं? Producers हैं।
और जबकि एनिमल्स क्या है आपके कंज्यूमर्स हैं। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच ऑफ विच फीड्स ऑन द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म द बिगनिंग ऑफ विच इज ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड अ फूड चेन। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एक सीरीज ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, और उस सीरीज में जो एक एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अगले ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है और उस सीरीज की जो बिगनिंग होती है वो ग्रीन प्लांट से होती है, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं गाइस, फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर इन द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया है। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ऑटोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फॉल्स, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओमनीवोर्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, ओमनीवोर्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स की फ्लैश पर फीड करते हैं। फॉल्स, वो डेड एनिमल्स के फ्लैश पर फीड नहीं करते, ठीक है। स्कैवेंजर्स हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट साफ रखने में हेल्प करते हैं। यस ट्रू, स्कैवेंजर्स में आपके डिकम्पोजर्स आते हैं, ठीक है। फंजाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजर, फंजाई की एग्जाम्पल है डिकम्पोजर का। यस ट्रू, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते। फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है आपकी, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, पढ़ा था ना हमने पूरे चैप्टर में, यही तो पढ़ा है कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे आपस में डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पर। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें सबसे पहला है एक्सप्लेन फूड चेन गिविंग एग्जांपल्स, फूड चेन को एक्सप्लेन कीजिए और एग्जांपल्स के साथ। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो सीक्वेंस, वो सीरीज किसी भी कम्युनिटी में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है यानी कि खा लेता है ताकि उस फूड एनर्जी को वो ट्रांसफर कर सके, तो उस चेन को, उस सीक्वेंस को, उस सीरीज को हम फूड चेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रास लैंड या फिर कोई भी एक फॉरेस्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रास, बहुत सारी ग्रास होती है विच इज ईटन अप बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स के द्वारा खा ली जाती है जैसे डियर, एंड देन डियर इज ईटन अप और कंज्यूम्ड बाय अ लायन, और उसके बाद जो डियर होता है उसे कौन खा लेता है या कौन कंज्यूम कर लेता है, एक लायन कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ग्रास में जो एनर्जी थी वो एनिमल्स जैसे डियर ने खाई तो डियर में चली गई, और डियर को अगर लायन ने खाया तो लायन में वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तो यही एक फूड चेन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। फंक्शनल यूनिट और सिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम आपकी फंक्शनल यूनिट होती है, एक फंक्शनल सिस्टम है जो लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है और जो अपने आप इतने सक्षम होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज फ्लोरा प्ले इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फ्लोरा का क्या रोल होता है, क्या काम फ्लोरा करती है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, दे कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स, वो एनिमल्स के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। कौन? फ्लोरा, दैट मीन्स प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप एंड गिव अ रीजन फॉर पैरासाइटिज्म एज अ नॉन म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चंस में फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चंस और हैं इसके बाद, ठीक है। फोर्थ तो यही है और फिफ्थ एक और है, तो वो दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कंबाइंड कर दिए हैं। पहले फोर्थ क्वेश्चन में था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, और अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है गिव अ रीजन फॉर पैरासाइटिज्म एज अ नॉन म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन कर दिए क्योंकि दोनों का आंसर सेम आना है, तो ये मत कहना कि मैम फिफ्थ क्वेश्चन आपने नहीं करवाया, तो दोनों में आपका सेम आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, पैरासाइटिज्म इज अ नॉन म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज। आपसे क्या पूछ रहा है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और आपको ये बताना है कि पैरासाइटिज्म एक नॉन म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे है। तो पैरासाइटिज्म एक नॉन म्यूचुअल रिलेशनशिप है स्पीशीज के बीच में होता है, जहां पर एक स्पीशीज जो पैरासाइट्स होते हैं दे बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरी स्पीशीज पर वो क्या करते हैं, उसके बेनिफिट्स वो गेन करते हैं। तो होस्ट, दूसरी स्पीशीज कौन सी होती है, उसे हम बोलते हैं होस्ट, और समटाइम्स विदाउट किलिंग द होस्ट, बिना होस्ट को मारे उसके ऊपर वो फीड करती है पैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल फ्लीज और टिक्स दैट लिव ऑन डॉग्स एंड कैट्स आर पैरासाइट्स व्हिच लिव ऑन द ब्लड ऑफ होस्ट एनिमल्स। फ्लीज और टिक्स जो डॉग्स और कैट्स पर रहते हैं, ठीक है, डॉग्स और कैट्स पर को क्या रहते हैं, फ्लीज और टिक्स जो
जू और लीक वगैरह होती है ना, वो डॉग्स और कैट्स में रहते हैं और पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं, जो उनमें मतलब उन्हें बिना मारे उन्हीं के साथ रहते हैं। ठीक है, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए, हम कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द इंटरेक्शन विद इन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट एंड एनर्जी फ्लो। इन्वायरमेंट के जो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनमें और एनर्जी जो फ्लो होती है, इनमें क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, आपको ये डिटेल में बताना है। किस किस में? इन्वायरमेंट के जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ गए प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एनर्जी जो फ्लो होती है तो उनमें आपको इंटरेक्शन बताना है। तो पॉइंट्स में हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ग्रीन प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी। बायोटिक कंपोनेंट्स में ग्रीन प्लांट्स आ गए सबसे पहले। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, और सोलर एनर्जी को यूज करके वो क्या करते हैं, कन्वर्ट इट इंटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी वो यूज करते हैं, कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, सोलर एनर्जी, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। अब ग्रीन प्लांट्स ने जो केमिकल एनर्जी बनाई, तो वो सारी एनर्जी जो है, जितनी भी एनर्जी है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जब ट्रांसफर होती है तो वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि 100% एनर्जी अगर उन्होंने प्रोड्यूस करी तो 100% ट्रांसफर नहीं होती है अगले ट्रॉफिक लेवल पर, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है। प्लांट्स ऑब्टेन 100% ऑफ एनर्जी दे प्रोड्यूस, जितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं कितनी करते हैं, 100% एनर्जी प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं सोलर एनर्जी से। प्राइमरी कंज्यूमर्स विच ईट दी ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स हो गए आपके प्लांट्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं, गेट दी नेक्स्ट मोस्ट एनर्जी, उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है, बट दिस इज ओनली 10%, तो उन्हें 100 में से 10% ही मिलता है सिर्फ, किन्हें, प्राइमरी कंज्यूमर्स को। ऑटोट्रॉप्स ने 100% बनाई, उसका 10% मिलता है प्राइमरी कंज्यूमर्स को। ठीक है, फिर अगले में आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं अगले लेवल में, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में तो आ जाते हैं, लेकिन जो एनर्जी थी उसका 1% सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आता है। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, जो टॉप पर होते हैं फूड चेन के, वो जो सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है, उन्हें सिर्फ 0.1% ऑफ एनर्जी मिलता है ग्रीन प्लांट्स का। तो इस तरीके से ये रिलेशन होता है बायोटिक कंपोनेंट्स का एनर्जी फ्लो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिस्ट एंड एक्सप्लेन दी एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका सनलाइट। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स होते हैं वो डे टाइम में एक्टिव रहते हैं, जबकि वेयर एज देयर आर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं विच शो देयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली, जो अपनी एक्टिविटीज सिर्फ नाइट टाइम में ही शो करते हैं। ठीक है, दूसरा एबायोटिक कॉम्पोनेंट है आपका एयर। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जब खाना अपना प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना। ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट एनिमल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्लांट्स के द्वारा रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है वाटर। वाटर इज अ हैबिटेट फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक लोटस, वाटर लिली एटसेट्रा। वाटर एक हैबिटेट है, यानी कि एक रहने की जगह है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे लोटस, वाटर लिली एटसेट्रा। ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 60% वाटर बाय वेट। ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर होता है। इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट इन बॉडीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो वाटर होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है आपका ह्यूमिडिटी। इट इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर और इन गैस। ह्यूमिडिटी क्या होता है, वाटर वेपर के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि एटमॉस्फेयर में या फिर गैस में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। इट ऑल्सो अफेक्ट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। और ह्यूमिडिटी का जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो इस चीज पर भी पड़ता है कि इस एक एरिया में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे।
नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है आपका सॉइल. इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डीकम्पोज्ड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सॉइल क्या होता है? एक मिक्सचर होता है जिसमें फाइन रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और डीकम्पोज्ड बॉडीज भी होती हैं, किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की. इट इज समटाइम्स कॉल्ड स्किन ऑफ द अर्थ. और सॉइल को कभी कभी अर्थ की स्किन भी बोला जाता है. नेक्स्ट एबायोटिक कॉम्पोनेंट है आपका टेम्परेचर, विच डिटरमाइंस द बेस्ट क्लाइमेट एंड प्लेस फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. टेम्परेचर जो है ये पता लगाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कौन सी जगह बेस्ट है और कौन सा क्लाइमेट बेस्ट होगा. इट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ. और टेम्परेचर का इफेक्ट होने की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पर कौन से प्लांट्स कहाँ पाए जाएंगे या कौन से एनिमल्स कहाँ पाए जाएंगे, ये टेम्परेचर डिसाइड करता है. तो ये कुछ एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन डिटेल. फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में बताइए. फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स इन इंटरेक्शन विद केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट. फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होता है उसमें कम्युनिटी होती है, यानी कि ग्रुप होता है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स का, जो एनवायरनमेंट के केमिकल और फिजिकल फीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड्स एबायोटिक कंपोनेंट्स. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो सॉइल और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड डेड ऑर्गेनिक डेब्रिस. प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं इसमें, जैसे एंट्स, फ्लाइज. सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं बर्ड्स, स्नेक्स. और टॉप या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं लायन, टाइगर. और डीकम्पोजर्स आते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस चैप्टर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म. प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको ये बताना है. प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म, तो प्रीडेशन में प्रीडेटर्स और प्रे होते हैं. प्रीडेटर्स यानी जो शिकार करता है और प्रे हो गया जिस पर अटैक हो रहा है. ठीक है, पैरासाइटिज्म में होस्ट एंड पैरासाइट्स होते हैं. होस्ट यानी जिस पर रह रहा है वो, और जो रह रहा होता है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं. ठीक है, प्रीडेशन में क्या है, प्रीडेटर्स जो होते हैं वो प्रे को मारते हैं. प्रीडेशन में जो शिकारी होता है वो शिकार करता है, मारता है. पैरासाइटिज्म में मे और मे नॉट किल. पैरासाइटिज्म में वो मार भी सकता है और नहीं भी मार सकता. ठीक है, प्रीडेशन का एग्जांपल हो गया फ्रॉग एंड ग्रास हॉपर. फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर को खा लेता है, तो यहाँ पर फ्रॉग जो है वो प्रीडेटर हो गया जो मार रहा है, और ग्रास हॉपर यहाँ पर आपका प्रे हो गया यानी कि जो जिसका शिकार हो रहा है. और पैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है डॉग एंड फ्लीज. डॉग जो है यहाँ पर होस्ट हो गया, ठीक है, और फ्लीज जो है वो पैरासाइट्स हो गए जो डॉग पर रहते हैं. तो फ्लीज की मर्जी होती है कि वो उसे मारे या फिर ना मारे. तो गाइज ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोट्स और अदर इन्फॉर्मेशन हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर सकें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू.